तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पिगमेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मनाली पिगमेंट्स पेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। गैस रिसाव होने से आसपास के कई लोग बेहोश हुए हैं। तो क्षेत्रीय लोगों ने फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाए हैं। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना बाजार खाला के मिल एरिया चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से आ रही है, जहां मनाली पिगमेंट्स पेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। गैस रिसाव होने से आसपास के कई लोग बेहोश हो गए हैं। क्षेत्रीय लोगों ने फैक्ट्री मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना बाजार खाला के मिल एरिया चौकी का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मनाली पिगमेंट्स पेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं इसी फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। और बताया जा रहा है कि गैस रिसाव होने के चलते कई लोग बेहोश हो चुके हैं। तो क्षेत्रीय लोगों ने फैक्ट्री मालिक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है। साथ ही लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। तो थाना बाजार खाला के मिल एरिया चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मनाली पिगमेंट्स पेंट फैक्ट्री में गैस रिसाव हुआ है। गैस रिसाव होने से आसपास के कई लोग बेहोश हुए हैं।